शादी के बाद सोनम ने अब किया खुलासा, दुनिया के इस सबसे खूबसूरत देश में मनाने जाएंगी हनीमून। शादी के तुरंत बाद ही सोनम कपूर काम में बिजी हो गई थी। पहले वो कांस में गई जहां उनके अपीयरेंस को सभी ने सराहा, उसके बाद अब वो अपनी आने वाली फिल्म वीरे दी वेडिंग के प्रमोशन में व्यस्त हो गई है। काम की वजह से वो अभी तक हनीमून पर भी नहीं जा सकी, लेकिन अब जब 1 जून को उनकी फिल्म रिलीज हो जाएगी तो वो फ्री हो जाएंगी। ऐसे में सोनम अब अपना हनीमून प्लान करने में जुट गई है। स्पॉट अबॉय के मुताबिक सोनम पति आनंद के साथ हनीमून मनाने यूरोप के देश ग्रीस जाने वाली हैं। इसका खुलासा खुद सोनम ने अपने इंस्टाग्राम पर किया है। सोनम ने सभी को शादी का गिफ्ट देने के लिए इंस्टाग्राम स्टोरी पर शुक्रिया कहा। इसी दौरान उन्होंने बताया कि वो और आनंद ग्रीस जाने का प्लान कर रही हैं। सोनम की इंस्टाग्राम स्टोरी के बाद माना जा रहा है कि वो ग्रीस हनीमून मनाने ही जाएंगी, और वैसे भी रोमांटिक टाइम स्पेंड करने के लिए यूरोप के इस खूबसूरत देश से बेहतर भला क्या हो सकता है। आपको बता दें कि उनके पति का मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बड़ा अपार्टमेंट है। क्या सोनम अब यहाँ रहेंगी? सोनम ने तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए मीडिया से साफ कहा है कि उनका इरादा फिलहाल दिल्ली या लंदन जाने का नहीं है। वो अपने पिता के जुहू स्थित घर में ही रह रही हैं। उन्हें फिलहाल मुंबई में बहुत काम है। सोनम ने कहा है कि वह पति के साथ बांद्रा कुर्ला वाले अपार्टमेंट में भी नहीं रहेंगी, क्योंकि वहां उनके मन मुताबिक इंटीरियर डिजाइनिंग में करीब साल भर लगेगा। इसके बाद ही उनका वहां जाने का इरादा है। सोनम की बातों से साफ है कि वो ससुराल नहीं जा रही हैं।